वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम इनटेक और एग्जाम सिस्टम के संबंध में समझते हैं। इनटेक एंड एग्जास्ट सिस्टम देखते हैं। इनटेक सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसके द्वारा इंजन के अंदर कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल को जलाने के लिए आवश्यक मात्रा पहुंचती है। यदि ईंधन की मात्रा के अनुसार हवा को कंबस्शन चैम्बर में पहुंचाई नहीं जाए तो उस कंबस्शन चैम्बर में जो ईंधन प्रयोग किया जाता है उसका अपूर्ण दहन होगा और उस अपूर्ण दहन के कारण कुछ विषैली गैस उत्सर्जित होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सेकंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे आप जानते हैं कि एक डीजल इंजन में ईंधन के रूप में हम डीजल का उपयोग करते हैं, तो जब एक डीजल इंजन में डीजल का पूर्ण दहन होगा तो एग्जास्ट गैस के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है जो विषैली गैस होती है। इसी प्रकार से एक पेट्रोल इंजन में हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं फ्यूल के रूप में, तो जब पेट्रोल इंजन में फ्यूल का अपूर्ण दहन होगा तो इस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एग्जास्ट गैस के साथ में विषैली गैस उत्सर्जित होती है जो एटमॉस्फेयर को यह प्रदूषित करती है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम कंबस्शन चैम्बर में इनटेक सिस्टमों के माध्यम से पर्याप्त ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए यह सिस्टमों का या इस कंपोनेंट का हम प्रयोग करते हैं। तो जानते हैं कि भाई यदि फ्यूल के अपूर्ण दहन के कारण फ्यूल की कुछ मात्रा एग्जास्ट गैस के साथ बाहर निकल जाती है जिसके कारण फ्यूल की जो इफिशियंसी है यह भी कम प्राप्त होगी और फ्यूल की इफिशियंसी कम मिलेगी तो इस दौरान इंजन से जो आउटपुट मिलेगा वह आउटपुट कम होता है जिससे मैकेनिक दक्षता पर उसके प्रभाव पड़ता है। तो फ्यूल की खपत भी इससे बढ़ती चली जाती है, इसलिए फ्यूल के पूर्ण दहन के लिए पर्याप्त हवा की जो मात्रा है वो सिलेंडर के अंदर फ्लो होनी चाहिए। इंजन में यह कार्य जो होता है एक इनटेक सिस्टमों के माध्यम से किया जाता है। तो इनटेक सिस्टम ये एक इंजन के सिलेंडर ब्लॉक पर बने हुए जो पोर्ट्स होते हैं उन पोर्ट पर नट बोल्ट के द्वारा लगा दिए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, देखते हैं सामने कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इसी प्रकार से देखते हैं कि एक मल्टी सिलेंडर इंजन में समान मात्रा में वायु नहीं पहुंचेगी तो सभी सिलेंडर समान रूप से दहन नहीं होगा। मतलब यहाँ एक जो कंपोनेंट्स हम प्रयोग करते हैं मैनिफोल्ड के रूप में, वह मैनिफोल्ड का काम होता है कि सिलेंडर में जो सिलेंडर प्रयोग किए जाते हैं उन सभी सिलेंडर को बराबर मात्रा में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचना चाहिए। यदि यह ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचती है तो सिलेंडर के अंदर जो ईंधन का दहन होगा वो, और इससे क्या होता है कि इंजन के अंदर जो दहन होगा तो वाइब्रेशन जनरेट होगा। इस वाइब्रेशन से बचने के लिए इंजन में सभी सिलेंडरों को बराबर मात्रा में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्रवाहित होना चाहिए, इसलिए हम विभिन्न प्रकार के इनटेक सिस्टमों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं कि हवा को साफ करके सिलेंडर के अंदर प्रवेश कराना चाहिए, इसलिए हम एक एयर क्लीनर का प्रयोग करते हैं। एयर क्लीनर, क्योंकि आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में धूल मिट्टी डस्ट विभिन्न प्रकार के विषैली गैस होती है, उसको क्लीन करके इंजन के कंबस्शन चैम्बर में प्रवेश कराना चाहिए। तो इससे क्लीन करने के लिए एयर क्लीनर का प्रयोग करते हैं, जैसे हम वायु शोधक
करते हैं तो हवा को यह साफ करने के लिए एयर क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यदि मान लिया जाए कि यह अशुद्ध हवा कंबशन चैम्बर में हमने प्रवेश कराया तो इस इंजन के अंदर जो मशीनिस्ट पार्ट्स होते हैं उन मशीनिस्ट पार्ट्स में फ्रिक्शन पड़ेगा, तो उस फ्रिक्शन को रोकने के लिए हम एयर क्लीनर का प्रयोग करते हैं। तो यह एयर क्लीनर का काम होता है कि हवा को साफ करना, फिल्टर करना। इसी प्रकार से देखते हैं कि इंजन के अंदर आवश्यक तापमान पर हवा को कंबशन चैम्बर में पहुंचाना। यदि कंबशन चैम्बर में अधिक ठंडी ऑक्सीजन को पहुंचा दिया जाए तो वह इंजन स्टार्ट नहीं होगा या स्टार्ट होने में उसे दिक्कत होगी, और यदि अधिक गर्म हवा को सिलेंडर में या कंबशन चैम्बर में प्रवेश करा दिया जाए तो उसमें प्री इग्निशन की समस्या होगी। प्री इग्निशन तो इस प्रकार से इंटेक सिस्टमों के माध्यम से हम ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर के अंदर पहुंचाते हैं। देखते हैं इंटेक सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रयोग किए जाते हैं। पहला मैनिफोल्ड, सेकेंड एयर क्लीनर, थर्ड टर्बो चार्जर, फोर्थ सुपर चार्जर, फिफ्थ हिट वाल्व, सिक्स इंटरकूलर, एयर कंप्रेसर। इस प्रकार से एक इंटेक सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स प्रयोग किए जाते हैं, मैनिफोल्ड, एयर क्लीनर, टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर, हीट वाल्व, इंटरकूलर, एयर कंप्रेसर। तो हमने पिछली क्लास में इन कंपोनेंट्स के बारे में समझा था, और इसी प्रकार से एक एग्जॉस्ट सिस्टम की बात करें तो एग्जॉस्ट सिस्टम एग्जॉस्ट सिस्टम के अंतर्गत कंपोनेंट्स प्रयोग किए जाते हैं। तो एग्जॉस्ट सिस्टम का मतलब कि जब सिलेंडर में कंबशन चैम्बर के दौरान जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए जिन कंपोनेंट्स का हम प्रयोग करते हैं वह एग्जॉस्ट कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे देखते हैं पहला एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, सेकेंड एग्जॉस्टर, थर्ड एग्जॉस्ट पाइप, फोर्थ मफलर, फिफ्थ कैटेलिक कैटेलिटिक कन्वर्टर। इस प्रकार से कुछ कंपोनेंट्स एग्जॉस्ट सिस्टम के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। पहला एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्टर, एग्जॉस्ट पाइप, मफलर, कैटेलिक कन्वर्टर, इन कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं मैनिफोल्ड के संबंध में एग्जॉस्ट इंटेक सिस्टम के अंतर्गत और कुछ कंपोनेंट्स प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला मैनिफोल्ड को हिंदी में बहुमुख
कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं मैनिफोल्ड, पहला इनले मैनिफोल्ड जिसे हिंदी में अंतर्गम बहुमुख कहते हैं, सेकेंड होता है एग्जास्ट मैनिफोल्ड जिसे हिंदी में रेचन बहुमुख कहते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के मैनिफोल्ड प्रयोग किए जाते हैं इंजन के अंदर, इनलेट मैनिफोल्ड जिसे हम अंतर्गम बहुमुख कहते हैं, एग्जास्ट मैनिफोल्ड जिसे हम रेचन बहुमुख कहते हैं। तो देखते हैं इनलेट मैनिफोल्ड क्या होता है। तो इनलेट मैनिफोल्ड का मुख्य कार्य, इनलेट मैनिफोल्ड का जो मुख्य कार्य होता है यह हवा और ईंधन मिश्रण को प्रत्येक सिलेंडर को बराबर भागों में सप्लाई करना इनलेट मैनिफोल्ड का कार्य होता है। और इसका मटेरियल की बात करें तो यह कास्ट आयरन यंग और एल्यूमिनियम एलाय का बना होता है। जनरल रूप से जो इनलेट मैनिफोल्ड होता है या सामान्यतः एल्यूमिनियम एलाय का ही बना होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एलाय का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब सक्शन स्ट्रोक के दौरान जब फ्रेश चार्ज सिलेंडर के अंदर दाखिल होता है तो उस दौरान उस चार्ज का टेम्परेचर कम होता है और यह कंपोनेंट्स उसको सहन कर सकता है, इसलिए इसे एल्यूमिनियम एलाय का बनाया जाता है। और कुछ डीजल इंजन में जो इनलेट मैनिफोल्ड्स होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं, क्योंकि ये इंजन्स हेवी इंजन्स होते हैं इसलिए इसे इनका जो इनलेट मैनिफोल्ड होता है वह कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इसी प्रकार से इनलेट पोर्ट पर कुछ कंपोनेंट्स लगा दिए जाते हैं, जैसे देखते हैं एयर क्लीनर, टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर, एयर क्लीनर का काम होता है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो एयर दाखिल होती है उसे फिल्टर करना। टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर का यह कार्य होता है कि अधिक से अधिक शुद्ध हवा कंबस्टन चैम्बर में प्रवेश कराना, यह टर्बो चार्जर सुपर चार्जर का काम होता है। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं एग्जास्ट मैनिफोल्ड की बात करते हैं। एग्जास्ट मैनिफोल्ड एग्जास्ट मैनिफोल्ड इंजन से जली हुई सभी गैसों को इकट्ठा करके साइलेंसर तक पहुंचाना या एग्जास्ट मैनिफोल्ड का मेन कार्य होता है। इसके मटेरियल की बात करें तो यह कास्ट आयरन एलाय का बना होता है। कास्ट आयरन एलाय का एग्जास्ट मैनिफोल्ड इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि इंजन के अंदर जब कंबस्टन के दौरान जो जली हुई गैसें होती है उस गैस का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा होता है और तो उस टेम्परेचर को सहन करने योग्य होना चाहिए वह कंपोनेंट, इसलिए एग्जास्ट मैनिफोल्ड को कास्ट आयरन एलाय का बना दिया जाता है। इसी प्रकार से यदि आप देखते हैं कि एग्जास्ट मैनिफोल्ड के साथ में एक साइलेंसर लगा होता है, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं एक साइलेंसर का प्रयोग किया गया है, तो इस साइलेंसर तक
उस इंजन से एग्जॉस्ट गैस को पहुंचाना, यहाँ एग्जॉस्ट में ही फोल्ड का कार्य होता है, तो इस गैस को लीकेज को, तो भाई जब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ में साइलेंसर को फिट कर दिया जाता है तो एग्जॉस्ट गैस को लीकेज को रोकने के लिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और सिलेंडर हेड के बीच एक गैस्केट का प्रयोग किया जाता है और यह जो गैस्केट होती है यह गैस्केट कॉपर एस्बेस्टॉस की बनी होती है। तो जनरली ये गैस्केट किस मटेरियल की बनी होती है यह पूछ लिया जाता है। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के इनलेट, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के आउटलेट पोर्ट पर एक साइलेंसर को कनेक्ट कर दिया जाता है और एग्जॉस्ट गैस के लीकेज को रोकने के लिए एक गैस्केट उपयोग करी जाती है और जो गैस्केट होती है कॉपर एस्बेस्टॉस की बनी होती है। तो इस प्रकार से और एक गैस को लीकेज को रोकने के लिए गैस्केट का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कि इसी प्रकार से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर एक सेंसर प्रयोग किया जाता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर ऑक्सीजन सेंसर, एक ऑक्सीजन सेंसर का प्रयोग किया जाता है। यहां एक ऑक्सीजन सेंसर का जो उपयोग होता है यह एग्जॉस्ट गैस से निकलने वाली जो गैस होती है उस गैस में ऑक्सीजन का पता लगाने के लिए हम एक ऑक्सीजन सेंसर का उपयोग करते हैं। तो इस सेंसर के द्वारा जो होता है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो हवा और जो ईंधन की जो मात्रा है उसके अनुपात में पता लगाना, मतलब ऑक्सीजन गैस का एक ऑक्सीजन सेंसर चार्ज के ईंधन और हवा की जो मात्रा होती है उसके अनुपात का हम पता लगा सकते हैं इस ऑक्सीजन सेंसर के माध्यम से। तो ये जो ऑक्सीजन सेंसर होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर लगा होता है और ये एग्जॉस्ट गैस में ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है, जिससे चार्ज के दौरान ऑक्सीजन और ईंधन के मात्रा का जो अनुपात होता है वह इसके द्वारा बताया जा सकता है। इसी प्रकार से देखते हैं कि इसके अलावा जो मैनिफोल्ड्स होते हैं या मैनिफोल्ड के प्रकार की बात करते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के, तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के कुछ प्रकार से होते हैं। जैसे देखते हैं पहला सिंपल मैनिफोल्ड का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार के इंजनों में किया जाता है। और सेकेंड बात करते हैं 2-in-1 मैनिफोल्ड। 2-in-1 मैनिफोल्ड का जो उपयोग है या इस प्रकार का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है जिससे इंजन से निकलने वाली जो एग्जॉस्ट गैस होती है वह बहुत स्पीड से और पूर्ण रूप से यह इंजन से इसे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार से इसका तीसरे प्रकार की बात करते हैं तो स्पेशल पर्पस एंड हाई इफिशियंसी मैनिफोल्ड। स्पेशल पर्पस एंड हाई इफिशियंसी मैनिफोल्ड या एक इस प्रकार का मैनिफोल्ड होता है कि इससे यह जो रेसिंग गाड़ियां होती है उन रेसिंग गाड़ियों में इस प्रकार के मैनिफोल्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सिंपल मैनिफोल्ड का प्रयोग जनरली सभी प्रकार के इंजनों में किया जाता है। 2-in-1 मैनिफोल्ड का उपयोग जो
अधिक मात्रा में या पूर्ण रूप से एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने में सक्षम होता है। इसी प्रकार से रेसिंग गाड़ी में प्रयोग किया जाने वाला एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है या स्पेशल पर्पस एंड हाई एफिशिएंसी मैनिफोल्ड होता है। तो इस प्रकार से एक इंजन में तीन प्रकार के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं इसके आगे पफिंग नॉइस एक प्रकार की इंजन से आने वाली आवाज होती है। और ये जो आवाज होती है पंपिंग आवाज जब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से एग्जॉस्ट गैस लीकेज होकर बाहर लीक होती है, तो उस एग्जॉस्ट गैस के लीक होने से जो आवाज उत्पन्न होती है उस आवाज को हम पफिंग नॉइस कहते हैं। और यह एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में इस प्रकार की जो पफिंग आवाज होती है ये एग्जॉस्ट गैस के लीक होकर या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो एग्जॉस्ट गैस या जो धुआं होता है वो जो अंदर बाहर होता है उस दौरान ये एक आवाज उत्पन्न होती है जिसे हम पफिंग नॉइस कहते हैं। तो यह जो पफिंग नॉइस होता है इस समस्या से बचने के लिए हम गैस्केट का उपयोग करते हैं सिलेंडर हेड या सिलेंडर ब्लॉक में और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बीच में एक गैस्केट का प्रयोग करते हैं। तो उस गैस्केट का प्रयोग करके यह आवाज को हम कम कर सकते हैं। इस दौरान जब इंजन ठंडा होता है तो उस ठंडा इंजन होने के दौरान यह जो आवाज होती है पफिंग साउंड या पफिंग नॉइज यह बहुत तेज गति से होती है। और जैसे इंजन रनिंग कंडीशन पर आता है तो उस दौरान यह आवाज धीरे धीरे कम हो जाती है या बंद हो जाती है। इसका कारण यह होता है कि जब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जब क्रैक होता है तो उस क्रैक के दौरान एग्जॉस्ट गैस अंदर बाहर होती है जिससे यह आवाज बनती है। और जब यह रनिंग कंडीशन पर आता है और इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में फैलाव होता है तो फैलाव के दौरान यह जो क्रैक होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में वह बंद हो जाती है जिसके कारण यह एग्जॉस्ट गैस या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकलने वाला जो धुआं है अंदर बाहर होना बंद हो जाता है जिससे यह आवाज बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से इस पफिंग साउंड को कम करने के लिए नॉइस को कम करने के लिए एक गैस्केट का प्रयोग करना चाहिए या क्रैक का पता लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इंजन में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को डिजाइन किया गया है इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ में लगा हुआ एक साइलेंसर होता है। वह साइलेंसर का जो काम होता है इंजन के अंदर आवाज को कम करना और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के माध्यम से जो एग्जॉस्ट गैस सोलो के रूप में बाहर निकलती है उसको सोलो को कम करना यहाँ पर साइलेंसर का काम होता है। और साइलेंसर में प्रयोग किया जाने वाला जो मफलर होता है इस भाग को साइलेंसर में मफलर कहते हैं। और इसी प्रकार से मफलर के बाद लगा हुआ जो पाइप होता है जो चेचिस के साथ में लगा हुआ होता है इंजन के व्हीकल के इसे हम टेल पाइप कहते हैं। और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ में जो लगा हुआ एक पाइप होता है जो ये स्टील का बना होता है जो मफलर तक होता है इस पाइप को हम एग्जॉस्ट पाइप कहते हैं। इस प्रकार से एक साइलेंसर जो होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ में जो लगा होता है ये साइलेंसर के तीन भाग होते हैं। एक एग्जॉस्ट पाइप जो सिलेंड्रिकल स्टील की बनी होती है और एग्जॉस्ट पाइप के साथ में एक मफलर का प्रयोग किया जाता है और मफलर के साथ एक फिर टेल पाइप लगा होता है जो व्हीकल के केचिस के साथ नट बोल्ट के माध्यम से इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से साइलेंसर में प्रयोग किया गया जो मफलर होता है उस मफलर का कार्य होता है कि इंजन से निकलने वाली जो आवाज है उसको कम करना और एग्जॉस्ट गैस जो लालतप्त होती है उस लालतप्त हवा को कम करना ये मफलर का कार्य होता है। तो मफलर की बात करते हैं तो मफलर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। देखते हैं जैसे चित्र में आप देख रहे हैं पहला मफलर होता है रिवर्स फ्लो मफलर में एक हाउसिंग के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूबे एक जिगजैग रूप में इसे फिट कर दिया जाता है। जब इन ट्यूबों के अंदर से
एग्जॉस्ट गैस जिगजैग रूप में गुजरती है, तो इस दौरान उस एग्जॉस्ट गैस को बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण इंजन से निकलने वाली जो आवाज है या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकलने वाली जो आवाज है ये या रिवर्स फ्लो मफलर के द्वारा या इस मफलर के द्वारा कम कर दी जाती है, क्योंकि अधिक दूरी तय करने पर यह साउंड धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये इस प्रकार का एक जिगजैग तरीके से ट्यूबों को व्यवस्थित किया गया हाउसिंग के अंदर, तो इस प्रकार का यह जो मफलर होता है यह रिवर्स फ्लो मफलर कहलाता है। इसी प्रकार से देखते हैं कि एक स्ट्रेट फ्लो मफलर, स्ट्रेट फ्लो मफलर, स्ट्रेट फ्लो मफलर में जैसे आप देख रहे हैं कि हाउसिंग के अंदर एक बड़ी सी ट्यूब लगी होती है और इस ट्यूब के आसपास ग्लास पुल और स्टील पुल, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्लास पुल और स्टील पुल के फिट कर दिया जाता है। जब यह एग्जॉस्ट गैस इन ग्लास पुल और स्टील पुल के माध्यम से बीच से गुजरती है तो यह वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस प्रकार से इस स्ट्रेट फ्लो मफलर के माध्यम से हम इंजन से निकलने वाले एग्जॉस्ट गैस के साउंड को कम करते हैं। उसी प्रकार से देखते हैं इसका तीसरा प्रकार बेफल टाइप, बेफल टाइप एग्जॉस्ट मफलर। तो इसी प्रकार से जैसे जो बफल टाइप एग्जॉस्ट मफलर होता है यह रिवर्स फ्लो मफलर के समान ही होता है, उसी प्रकार से इस एग्जॉस्ट गैस को भी जिगजैग तरीके से यहाँ पे फ्लो करके बाहर आउट किया जाता है। तो इस प्रकार से जो मफलर होता है साइलेंसर के अंदर में लगा हुआ, ये तीन प्रकार के मफलर से प्रयोग किए जाते हैं, रिवर्स फ्लो मफलर और स्ट्रेट फ्लो मफलर और बफल टाइप मफलर, जो इंजन से निकलने वाली आवाज को या एग्जॉस्ट गैस के साउंड को कम करता है। इस प्रकार से यह एग्जॉस्ट सिस्टम प्रयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू।